अनलॉक 5 के प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद देश के सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल जाएंगे। सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी किए, ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो। केंद्र द्वारा जारी नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर आ सकेंगे। सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ेगा। अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है और एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा। जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस मार्क लगा होगा। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट लॉबी को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर 100 के पास सिनेमा हॉल की सफाई की जाएगी। सिनेमा हॉल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया कराएं। आज से देश के 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में सिल्वर स्क्रीन जीवंत हो उठेंगे। सिनेमा हॉल खुलने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिनेमा हॉल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हॉल मालिक केंद्र और राज्य के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन बेहद जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।